कि हम लोग फिजिक्स में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पोर्शन है. एक्चुअली एस चांद या रेफरेंस बुक में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी लेंस वाला पार्ट और मिरर वाला पार्ट अलग अलग दिया है, बट एनसीईआरटी में क्या है, दोनों रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन एक साथ है और ह्यूमन आई अलग है. ग्रीन पेज जो हमारा एक्सरसाइज होता है वो बोर्ड्स के लिए इम्पोर्टेंट है. पहले बात तो एनसीईआरटी का एक एक लाइन एक एक एक्सरसाइज सब इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि ब्लू वाले क्वेश्चन थोड़े से मिड में आते हैं तो उसका हम लोग सोल्यूशन भी नहीं रखा है. आप ग्रीन पेज के क्वेश्चन को देखिए, ये एनसीईआरटी पेज नंबर 186 पे आप जाएंगे क्लास 10th में रिफ्लेक्शन के क्वेश्चन में उठा रखा है, ठीक है. मिरर के क्वेश्चन जब वर्ड आ रिफ्लेक्शन आएगा ना तो समझ लो कि क्वेश्चन कहां से मिलेगा आपको, प्लेन मिरर से मिलेगा या तो कॉन्वेक्स मिरर से मिलेगा या फिर कॉनकेव मिरर से मिलेगा, मतलब मिरर से मिलेगा. और रिफ्रैक्शन की जब बात करेंगे हम तो ग्लास का वर्ड यूज करेंगे हम, लेंस होगा, कॉन्वेक्स या कॉनकेव. बैर An object 5 cm in length. एक object है. Exam में question करने का तरीका क्या होता है? Numerical देखिए already सबको tough लगता है. Theory लोग बना के लिख लेते हैं. Numerical में problem होती है. कैसे? आप कुछ वक्त full numerical यहाँ से यहाँ तक मत पढ़िएगा पूरा question. उससे तक घबराहट होने लगती है. एक एक step पढ़ो और given चीजों को लिखो. An object 5 cm in length. यानी एक ऐसा object है जो 5 cm लंबा है. तो क्या given है? Height of object. 5 cm. In place रखा है at a distance of 20 cm. ये 20 cm क्या है भाई? ये है distance of object. एक object रखा है 20 cm दूर. क्या given है students? U. और बता चुके हैं ये always minus में लेते हैं. Distance of object U. क्योंकि object हमेशा sign convention पढ़ाया था आप लोगों को कि हमेशा left side में रखी जाती है. कौन? ऑब्जेक्ट. और लेफ्ट साइड में क्या होता है? एक्स नेगेटिव होता है. इसीलिए डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट यानी कि यू की वैल्यू हमेशा क्या लेंगे हम? नेगेटिव में लेंगे. तो -20 हो गया. इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर. जैसे ही दिमाग में कॉन्वेक्स मिरर की बात आएगी आप क्या याद करोगे? कि कॉन्वेक्स का सर ने बताया था कॉन्वेक्स मिरर हो चाहे लेंस हो चाहे दुनिया में कुछ भी हो, कॉन्वेक्स वर्ड आ गया तो फोकल लेंथ क्या होगा? पॉजिटिव होगा. तो फोकल लेंथ हमारा क्या हो सकता है? पॉजिटिव. लेकिन दिया नहीं कुछ. कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ नहीं है. क्या दिया है? इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर. तो क्या गिवन है? आर गिवन है. रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है. आप इसे कैपिटल आर भी लिख सकते हो 30 सेंटीमीटर. इसका फॉर्मूला क्या होता है? एफ इज इक्वल टू आर अपॉन टू. तो आपको पता ही होगा एक फॉर्मूला है हमारा एफ इज इक्वल टू आर अपॉन टू. तो आप फोकल लें जल्दी से सॉल्व कर लीजिए, ठीक है. आर की वैल्यू क्या है? 30 है अपॉन टू. ये कितना आएगा? 15 सेंटीमीटर. 30 ये क्या रहेगा? प्लस में लेंगे. क्यों लेंगे भाई? क्योंकि हम कह रहे हैं ना कॉन्सेप्ट. न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होता है? कॉन्सेप्ट से होता है. कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है? पॉजिटिव लेते हैं हमेशा. आपको समझा चुके हैं हम. ओए क्लास अब आते हैं नेक्स्ट. नेक्स्ट आगे पढ़िए. कर्वेचर 30 सेंटीमीटर. फाइंड पोजीशन ऑफ द इमेज. अच्छा पोजीशन क्या होता है? पोजीशन मतलब होता है इमेज कहां बन रही है, कितनी डिस्टेंस से बन रही है. मतलब वी की वैल्यू है क्वेश्चन मार्क कॉमा इट्स नेचर एंड साइज. वैसे तो साइज मतलब होता है हाइट ऑफ इमेज क्वेश्चन मार्क है, लेकिन नेचर इसका आंसर आप खुद दे सकते हो. और बिल्कुल पता है आपको कि कॉन्वेक्स मिरर में एक ही केस होता है कि कहीं भी ऑब्जेक्ट को आप रखिए इमेज बनना है एक तरह का वर्चुअल इरेक्ट एंड स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट. इसे आप रट डालो. कॉन्वेक्स मिरर में एक ही केस होता है, चाहे कहीं भी खड़े रहो. मिरर सामने है, आप यहां खड़े रहो और आगे आइए और आगे आइए, आपकी इमेज हमेशा छोटी बनेगी, सीधी बनेगी और वर्चुअल होती है. तो नेचर का तो आंसर आपका डायरेक्ट आप लिख सकते हो भाई. नेचर क्या हुआ? वर्चुअल इरेक्ट मतलब होता है कि अपराइट भी कहते हैं इसको, अपराइट भी कहते हैं. सीधी इमेज बनती है, बना के दिखा देंगे हम. वर्चुअल इरेक्ट एंड स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट. डिमिनिश भी से कर सकते हो आप. डिमिनिश की थोड़ी सी छोटी बन रही है. डिमिनिश हो गई स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट. बट पोजीशन के लिए कैलकुलेशन करना पड़ेगा. फॉर्मूला क्या होता है? 1 upon f = 1 upon v + 1 upon u. f की वैल्यू यहां से रखें कितना है? 15 है. v सॉल्व करना है और u की वैल्यू कितना है? -20. इसे आप बहुत आराम से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है. 1 upon 15 = 1 upon v + -1 upon
20, आप 1/v को इधर होल्ड कर लो, रोक लो, 1/20 को इधर ले आइए, तो क्या होगा 1/15 + 1/20 माइनस में है, प्लस हो जाएगा, इसे एलसीएम लीजिए, 15 20 का एलसीएम 60 आता है, चेक कर लीजिएगा एलसीएम निकाल के 15 और 20 का 60 एलसीएम आएगा, ठीक है, 15 4 जा 60, 23 जा 60, कितना आया क्लास, जल्दी से चेक करो, हां 15 और 20 का एलसीएम कितना होगा, चाहे आप यहां पे चेक भी कर लीजिएगा, वो कॉमन चीज जो दोनों से कट कट कर जाए, कोई और डाउट हो बताना तुम लोग, ठीक है, और 4 प्लस 3 कितना होता है, 7 होता है, तो यहां पे हम लोग सॉल्व करेंगे 4 प्लस 3 7/60 = 1/v, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, v इज इक्वल टू आ जाएगा 60/7 सेंटीमीटर, ये हमारा हो गया, इट इज द पोजीशन ऑफ इमेज, इसका आंसर पॉजिटिव आना चाहिए, क्योंकि आपको हम याद दिला दें कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, ये है कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर में डायग्राम आपको याद होगा, डायग्राम कैसा बनता है, ऐसे ही तो बनता है ना, ये हमारा डायग्राम कॉन्वेक्स मिरर का है क्लास, मेरे ख्याल से आप लोगों को याद होगा कि इमेज कहां बनती है, मिरर के बिहाइंड बनती है, वर्चुअल इरेट एंड स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, तो ये चूंकि ओरिजिन हो गया हमारा, इधर की डिस्टेंस नेगेटिव, इधर की पॉजिटिव, तो ये हमारा इमेज है, तो v की वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए, पॉजिटिव आ भी रहा है, ठीक क्लास, रिकैप कर दे रहे आपको, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ है, तो हमारा HO 5 सेंटीमीटर हो गया, एंड डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर u क्या है, -20 हो गया, इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी r की वैल्यू 30 है, f r.2 से हमने वो कर्लिन सॉल्व कर लिया, फिर v की वैल्यू सॉल्व कर लिया, अब जल्दी से आप क्या सॉल्व करेंगे, फाइंड द साइज ऑफ इमेज, इसे हम इरेज कर दे रहे हैं, जल्दी से साइज ऑफ इमेज कैसे निकलता है, तो फार्मूला याद होगा, HI/HO = -B/U = magnification, ये एक फार्मूला है, आपको हम इसको पढ़ा चुके हैं, कैसे सॉल्व होगा भाई, HI सॉल्व करना है, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, याद है आपको ये अपराइट इमेज बनती है, ऊपर इमेज y cos पे इमेज बनती है, ठीक है, HO क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर ऊंची ऑब्जेक्ट है, 5 रखेंगे हम लोग, माइनस v की वैल्यू कितनी है 60/7, और u की वैल्यू कितनी है क्लास, माइनस में रखते हैं, कितना था u 20 सेंटीमीटर, माइनस माइनस कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 2 3 जा 6, ये क्लास कितना आया, हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू 5 3 जा 15, 15/7 सेंटीमीटर, इसे आप पॉइंट में भी सॉल्व कर सकते हो, ये हमारा आंसर हो गया, पोजीशन ऑफ इमेज 60/7 एंड साइज ऑफ इमेज 15/7, ठीक क्लास, तो आंसर मैच कर लीजिए, आप लोग इसे दोबारा देखिए, रिवीजन के लिए क्या होता है कि आप बार बार उसे एक ही चीजों को देखोगे तो समझ में आने लगता है, ठीक है।